चैनल। एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं हटिया ट्रू वैल्यू में और देख सकते हो मेरे पीछे गाड़ियों का कलेक्शन, आप लोग देख लो दोस्तों। इको मिल जाएगी, ब्रेजा मिल जाएगी, डिजायर मिल जाएगी, बहुत सारा कलेक्शन मिलेगा आज यहाँ पे देख लो, जो कि न्यू आई हुई है और ये सबसे पहले मेरे वीडियो में अपडेट होता है दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो नए जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के बीच लेके आता रहूँ। तो चलिए देर किए बिना मनीष सर का वेलकम करते हैं और लेते हैं सारी गाड़ियों की डिटेल। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम है। हम भी अच्छे हैं सर, इस बार तो काफ़ी लेट लगा दिए हैं। हाँ, थोड़ा कलेक्शन आने में इधर लेट हो गई है। सारी न्यू कलेक्शन है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, नया कलेक्शन है। कौन कौन सी कलेक्शन लेके आए हुए हैं आज? मिक्सअप कलेक्शन है, वैगनार भी है, एस्क्रॉस भी है, i20 है, इको है, ब्रेजा है, हर छोटी बड़ी गाड़ी मिल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइबर के ऊपर हाई कीजिए, हाई सब्सक्राइबर। और न्यू सब्सक्राइबर के लिए एक बार फिर से जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए एकदम लोकेशन बहुत आसान है। बिरसा चौक से हटिया सिंगमुर तरफ जाने वाले रोड में HP पेट्रोल पंप है, उसी के जस्ट सामने में ट्रू वैल्यू का शोरूम है। बाकी जिनको दिक्कत होगी सर, नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी, कॉल करके आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर शुरू करते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले हम आपको अभी करंट मॉडल वैगनार दिखाते हैं। वैगनार व्हाइट कलर की है, रांची रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल रांची रजिस्ट्रेशन है, मॉडल 2019 का है। 2019 मॉडल है सर? हाँ, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और इंश्योरेंस वगैरह वैलिड है अभी। और गाड़ी आप देख सकते हैं फर्स्ट। हाँ, मॉडल कौन सी बोले सर? ये 2019 की है। तो रनिंग की बात करें तो सर ये आपका 64,000 चला हुआ है। 64,000 मात्र, बिल्कुल चला है। बाकी देख लो कंडीशन, फोग लैंप वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, गाड़ी बिल्कुल वेल कंडीशन है। कोई खर्चा तो नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल खर्चा नहीं। इसमें आपको सर्विस वारंटी भी आपको मिलता है। सर्विस वारंटी सब मिलेगी? बिल्कुल, 6 महीने की वारंटी और 2 फ्री सर्विस। 6 महीने की वारंटी मिल जाएगी दोस्तों और 2 फ्री सर्विस इसमें मिल जाएगी। देख सकते हो मारुति से सर्टिफाइड है सर। बिल्कुल हाँ। चलिए सर अब इंटीरियर की ओर चलते हैं। तो टायर की कंडीशन सब न्यू अभी चलेगा ना सर? बहुत हाँ हाँ हाँ, अभी चेंज करने का जरूरत है। चारों पावर विंडो, एसी, उसी सब चिल्ड है सर? पूरा चिल्ड है। और इसका पावर स्टीयरिंग और सिंगल साइड एयरबैग है, ड्राइवर साइड है। ड्राइवर सीट में एयरबैग मिल जाएगी। बाकी देख लो कंडीशन इस प्रकार से है दोस्तों, वेल कंडीशन कार है। बाकी रूफ वूफ देख लो कंडीशन में ही है, सीट कवर लेदर की लगी हुई है। बताइए सर इसका आस्किंग प्राइस वेगनार? इसका प्राइस है 4,60,000। 4,60,000 है दोस्तों, थोड़ा बहुत तो नेगोशिएबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार i20, 2016 की i20, ये काफ़ी डिमांडेबल गाड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपका रांची रजिस्ट्रेशन, और ख़ास बात इसमें ये है कि ये डीजल में है, जो कि माइलेज वगैरह बहुत अच्छा निकालता है। i20 डीजल में है दोस्तों। और मॉडल की बात करें तो 2016 मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। किलोमीटर क्या चले हुए? ये 65,000 चला हुआ है। 65,000 मात्र? बिल्कुल, जो कि ओरिजिनल चली। बिल्कुल बिल्कुल, 65,000 चली हुई है। कंडीशन इस प्रकार है। और इंटीरियर दिखाइए सर, क्या क्या मिल जाएगा? माउंटिंग कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिल जाता है और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। बाकी लेदर के सीट कवर लगी है, फर्स्ट क्लास देख लो इस प्रकार से कंडीशन है दोस्तों। और रनिंग क्या बोले सर? 65,000। 65,000 चली हुई है, कुछ वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। जितना जितना दिन का इंश्योरेंस रहता है उतना दिन का मिलता है, अगर फेल रहता है तो डील भी उसी तरह रखते हैं। और आप सर इसका आस्किंग प्राइस बता दें? 5,25,000। नेगोशिएबल, थोड़ा थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। चलिए सर, नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है? अभी हमारे पास डिजायर है, जो कि अभी लेटेस्ट आया सर, बताया जाए सर? अभी लेटेस्ट आया हुआ है ये डिजायर, 2019 मॉडल है, 2019 है। जो कि रांची रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस वगैरह वैलिड है अभी। देख लो रांची रजिस्ट्रेशन है, पेपर इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल। और ओनरशिप की बात करें? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और मॉडल कौन सी सर? 2019। हाँ, इसकी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और किलोमीटर की बात करें तो सर? किलोमीटर इसका 66,000 चला हुआ है। 66,000 चला हुआ है। बिल्कुल। फोग लैंप वगैरह इसमें भी सारा कुछ लगा हुआ है गाड़ी में, इस प्रकार से कंडीशन है। बिल्कुल न्यू गाड़ी आप लोगों को मिल रही है दोस्तों। देख लो ये पेट्रोल है कि डीजल है? पेट्रोल है। पेट्रोल में है। और एवरेज क्या देगी सर? लगभग 20-21 का तो माइलेज देगा ही देगा। अभी आराम से टायर की कंडीशन इस प्रकार से टायर है। और इंटीरियर में सर क्या क्या मिल जाएगी? चारों पावर विंडो है, इसमें ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल वगैरह भी है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, पावर स्टीयरिंग। देख लो लाजवाब एंट्री के साथ मिल रही है दोस्तों, ये सब वर्किंग मैन है सर। हाँ बिल्कुल, इसमें अभी कोई खर्च नहीं है आपको, तेल डलवाना चलाना है। बाकी देख लो वुडन स्ट्रीप में इसका डैशबोर्ड वगैरह है, देख लो मैट वेट सारा कुछ लगा हुआ है। सीट की कंडीशन देख लो, लाजवाब सीट कवर है दोस्तों। सर इस डिजायर का आस्किंग प्राइस? इसका प्राइस है 6,25,000। 6,25,000 नेगोशिएबल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके थ्रू जो आएंगे ना उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है।
गाड़ी हम लोग की कौन सी है सर? मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी है इको। इको ये भाड़ा पर्पस और अपना पर्सनल बिल्कुल दोनों में यूज कर सकते हैं। दो हजार इक्कीस का गाड़ी है, 2021 की गाड़ी है, रांची रजिस्ट्रेशन है, सारा कुछ वैलिड है अभी, इंश्योरेंस वगैरह दोस्तों देख लो, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैनेज कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल ओनरशिप सर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये और बहुत अच्छे कंडीशन में है गाड़ी, बिल्कुल वेल कंडीशन कार है, कलर भी काफी खूबसूरत है। बिल्कुल बाकी टायर वगैरह देख लो इस प्रकार से है। चलिए सर इंटीरियर में तो बाहर से ही साउंड सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है। इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है ना सर? नहीं इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है, मगर एयरबैग आपको मिल जाएगा। पावर स्टीयरिंग नहीं है लेकिन एयरबैग मिल जाएगी ड्राइवर सीट में एक दोस्तों इसमें। बाकी म्यूजिक सिस्टम सब लगा हुआ है ना सर? हाँ लगा हुआ है। और किलोमीटर क्या बोले सर? 32,000। मात्र 32,000 चली हुई है देख लो, मैट वेट सारा कुछ लगा हुआ है, लेदर की सीट कवर लगी हुई है। बाकी देख लो ये 7 सीटर है सर। हाँ पीछे भी आठ आदमी आराम से इसमें बैठ जाएंगे। पीछे भी सीट लगा हुआ है जो कि लगा हुआ नहीं होता है, 7-8 आदमी इसमें आराम से आप लोग बैठ सकते हो दोस्तों। और ये भाड़ा पर्पस से भी आप लोग कर सकते हो इसको। गाड़ी का बैक प्रोफाइल इस प्रकार से है दोस्तों, बम्पर गार्ड भी लगा हुआ है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बम्पर गार्ड वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। बताइए सर इस इको का आस्किंग प्राइस क्या रखे हैं? इसका है 5,01,000। 5,01,000 भी नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी पे बढ़ते हैं। डिमांडेबल गाड़ी है सर, हाँ विटारा ब्रेजा। विटारा ब्रेजा और वो भी डीजल में, वो भी डीजल में मिल रही है दोस्तों, काफी कम मिलती है और डिमांड रहती है डीजल। हाँ डीजल में माइलेज वगैरह बहुत अच्छा निकलता है, 23-24 का माइलेज आता है इसमें। 23-24 की माइलेज दे देगी दोस्तों, देख लो मैरून कलर की गाड़ी है ये, रांची रजिस्ट्रेशन है सर। रांची रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस वगैरह वैलिड है। मॉडल कौन बोले सर? 18 मॉडल है, 18 का है। ओनरशिप सर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और रनिंग सर? और रनिंग इसका है 65,000, बहुत प्रतिष्ठित आदमी का गाड़ी है ये। मात्र 65,000 चली हुई सर? हाँ बिल्कुल देख लो दोस्तों, मात्र 65,000 चली है, इस प्रकार से कंडीशन है, टायर वगैरह सब कंडीशन में इस प्रकार से मिल जाएगी। और इंटीरियर दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, क्या क्या मिलेगी। चारों पावर विंडो इसमें भी है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, एयरबैग वगैरह लगा हुआ है इसमें, सब कंपनी फिटेड है सर। कस्टमर अपने से वो टच प्ले लगाए हुए हैं, देख लो दोस्तों टच प्ले लगा हुआ सारा कुछ इसमें, पूरा मेंटेन करके रखे हैं सर। जिनकी भाइयों का गाड़ी था सर क्या? बिल्कुल फुली मेंटेन गाड़ी है दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग विजिट कीजिए, ये गाड़ी निकल जाएगी क्या सर? हटिया ट्रू वैल्यू में लगी है दोस्तों, देख लो इस प्रकार से कंडीशन है सर। इस विटारा ब्रेजा का आस्किंग प्राइस, इसका प्राइस है 7,35,000। 7,35,000 इसकी प्राइस है दोस्तों, जो थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं सर। आइए अगली गाड़ी कौन सी होने वाली है? ऑल्टो K10 है। ऑल्टो K10 2018 मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी, रांची रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। हाँ रांची रजिस्ट्रेशन है और इंश्योरेंस जितना दिन का रहता है उतना दिन का मिलता है, आप टायर वगैरह भी देख सकते हैं। बाकी टायर वगैरह देख लो कंडीशन इस प्रकार से है। और क्या रनिंग है सर गाड़ी की? समथिंग चली हुई है देख लो, एक्चुअल देखा नहीं हूँ बट लगभग एक समथिंग है सर ना। देख लो बाकी इंटीरियर इस प्रकार से है, क्या क्या मिलेगी सर इसमें? पावर विंडो है, दो पावर विंडो है फ्रंट में, दो पावर विंडो मिल जाएगी। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता है इसमें, देख लो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, एसी उसी चिल्ड है ना सर? हाँ सब, आपको कुछ करना नहीं है, हल्का सा स्टेयरिंग कवर चेंज करा दीजिएगा, गाड़ी का लुक बढ़ जाएगा। देख लो दोस्तों केवल स्टीयरिंग कवर थोड़ा सा डैमेज है, वो भी चेंज हो जाएगा सर, वो आप लोग नहीं ना करके मिलेगा, वो तो एज इट इज कंडीशन ही है हम लोग का, जैसा है वैसा ही मिलेगा। बाकी गाड़ी बिल्कुल मेंटेन है, कोई खर्चा नहीं ना सर? नहीं कोई खर्चा नहीं है। इंश्योरेंस वंश्योरेंस है सर इसमें? हाँ सारा कुछ है। और इसका जो रेट है आपका 3,10,000। 3,10,000 इस ऑल्टो K10 की प्राइस है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं। मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी, बिल्कुल गाड़ियों में ये आती है। हाँ नेक्सा की प्रीमियम गाड़ी है ये और जो कि आपका जमशेदपुर रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन मॉडल कौन सा? 2016 मॉडल। ओनरशिप सर? ये आपका फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है देख लो दोस्तों, और बहुत अच्छे आदमी का गाड़ी है ये। ये डीजल है कि पेट्रोल है सर? ये पेट्रोल में है। पेट्रोल में है सर देख लो। अब मात्र 50,000 किलोमीटर चला हुआ है। मात्र 50,000? हाँ ZXi है, टॉप से एक नीचे है। देख लो दोस्तों ZXi है सियाज, मात्र 50,000 चली हुई है और कलर भी काफी यूनिक और हाँ, काफी अच्छी कलर में मिल रही हाँ, है देख लो, चॉकलेट कलर वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। और चलिए सर इंटीरियर की ओर चलते हैं, थोड़ा क्या क्या इसमें मिलेगी सर इंटीरियर? इसमें आपका है चारों पावर विंडो है, ऑटोमेटिक ORVM फोल्डेबल है, मिरर वगैरह सब फोल्डेबल है ना। एयरबैग है सर? एयरबैग इसका है, एयरबैग के साथ मिल रही। बाकी देख लो आर्म रेस्ट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है दोस्तों, सीट की कंडीशन देख ही सकते हो आप लोग, लाजवाब है जी। थोड़ा सा की जगह की कमी से थोड़ा सा मैं इंटीरियर नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं एकदम तहे दिल से। सियाज का आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए हैं? 5,50,000।
550,000 है दोस्तों, नेगोशिएबल है सर इसमें भी? हाँ नेगोशिएबल है थोड़ा बहुत। सर फिर नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं। 2018 की ओल्टो है देख लो, व्हाइट कलर की गाड़ी है। नंबर कहाँ की सर? रांची की रजिस्ट्रेशन है। रांची रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। ओनरशिप सर? ये आपका फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और रनिंग की बात करें तो सर? नहीं सॉरी, सेकंड ओनर है ये। ठीक है, मतलब जो लेंगे थर्ड हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी दोस्तों, ये सेकंड ओनर गाड़ी है। और किलोमीटर लगभग क्या चली? 1,17,000 चला हुआ है। 1,17,000 थोड़ी सी ज्यादा है। हाँ, और गाड़ी भी है ना, वो हम लोग की कंपनी में ही पेंट होके आई है। अच्छा, मतलब फुली पेंट है। देखिए यहाँ पे बता दिए सर सारा कुछ, रूप छोड़ के लगभग हमको लगता है टचअप किया हुआ है। बहुत स्क्रेचेस था गाड़ी में, तो हम लोग वो करवा के ऐसे देते नहीं है, मगर इसमें हम लोग करवा दिए कि अच्छा लगे गाड़ी और आप लोग को अच्छी तरह से अपनी गाड़ी मिल सके। सर सच्चाई बता के, यहाँ पर ट्रू वैल्यू हटिया में काम होती है, जो कि देख लो ये पेंट की हुई गाड़ी, सर ने पहले बता दिया। क्या सर? जी, रूफ छोड़ के बाकी सारा पेंट है। हाँ हाँ हाँ, जैसे बम्पर वगैरह है इधर है, तो आइएगा तो सामने से भी आपको पता चलेगा। इंजन में अभी कोई खर्च नहीं है, 1,17,000 चला हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो दिखता है वही बिकता है हम लोग का, मीटर वगैरह टेम्परिंग नहीं होता है। ओरिजिनल चला हुआ है, सर ने सारा कुछ बता दिया है। बाकी टायर वगैरह देख लो, टायर भी तो चेंज हुई है ना सर। हाँ देख लो, इस प्रकार से कंडीशन है, साइड प्रोफाइल देख लो। तो इसको ले सकते हैं है कि नहीं, प्लानिंग कर सकते हैं। 2,60,000 इसका कीमत है। 2,60,000 इसकी प्राइस है सर। हाँ, चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं। जिन भाइयों को गाड़ी सीखना है या सोच रहे कि अभी सीख के और फिर मैं नया गाड़ी लूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा गाड़ी है ये, मेरा रिकमेंडेड गाड़ी है। हाँ, 2009 की अल्टो रांची रजिस्ट्रेशन। 2009 की अल्टो है, रांची रजिस्ट्रेशन है, देख लो। अभी 24 तक अभी गाड़ी चलेगा, अभी 24 तक इसका रजिस्ट्रेशन है ना। हाँ, फिर उसके बाद 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो करा सकते हैं, नहीं तो फिर अपना। हाँ, नहीं तो सीख के एक्सचेंज कर दीजिए, अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो करा लीजिए। मैनुअल स्टीयरिंग है, एसी आपका चिल्ड है। एसी है ना सर इसमें? हाँ, एसी चिल्ड है। और पावर स्टीयरिंग तो नहीं है सर? पावर स्टीयरिंग नहीं है इसमें। बाकी देख लो, इस प्रकार से कंडीशन है, लाजवाब ही है सर, है ना, मेंटेन गाड़ी है, पूरा मेंटेन है, इसलिए मेरा रिकमेंडेड गाड़ी है ये। रनिंग भी कम है, बहुत कम, बहुत कम चली हुई है। 9 की गाड़ी बहुत कम, कितना, 30,000-32,000? 36,000 चली हुई है, काफी कम चली हुई है। देख लो, वेल कंडीशन कार है दोस्तों। तो आप लोग आइए जल्द से जल्द, हटिया के ट्रू वैल्यू में लगी हुई है ये गाड़ी, के लिए गाड़ी चाहिए वो ले जा सकते हैं यहाँ से। नहीं सर, इस ऑल्टो का आस्किंग प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 1,45,000, जो कि नेगोशिएबल है। 1,45,000 विद नेगोशिएबल, बिल्कुल। आज तो फिलहाल तो इतनी कलेक्शन थी सर। जी जी बिल्कुल। तो फिर से एक बार फाइनेंस वगैरह के बारे में बता दें। फाइनेंस हम हमारे यहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ टाई अप हैं, जैसे महिंद्रा, चोला, HDB, ये सब हैं। 30% डाउन पेमेंट, 70% तक लोन कर देते हैं। और अभी तो बिहार में भी होने लगा है अभी फाइनेंस, बिहार शुरू हो गई सर। हाँ, चलिए यहाँ बिहार में भी शुरू हो गए दोस्तों, आप लोगों का बिहार में फाइनेंस हो जाएगी। हाँ, मगर मॉडल ऊपर होना चाहिए। इतनी कलेक्शन थी हम बिल्कुल, पास में। बिल्कुल। तो चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू सर डिटेल देने के लिए। नेक्स्ट अपडेट हम बहुत जल्द करते हैं सर। बिल्कुल।